एचएनआई लाइव बुलेटिन में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश शुक्ला, एक बार फिर हाजिर हूं हर खबर के साथ। महाराष्ट्र के थाने से आज की बड़ी खबर। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ थाने शहर में भाजपा आक्रामक, जन आंदोलन। एक तरफ जहां कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण सभी रोजी रोजगार व्यवसाय ठप हुआ है, तो लोगों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड व टोरेंट पावर कंपनी की तरफ से कलवा मुमरा थाने सहित अनेक इलाकों में मनमानी तरीके से औसत बिल से दो गुना तीन गुना बिल भेजी जा रही है, जिससे लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में थाने शहर जिलाधिकारी कार्यालय समक्ष बीजेपी विधायक निरंजन डावखरे, विधायक संजय केलकर के नेतृत्व में बिजली विभाग के विरुद्ध जन आंदोलन किया गया। वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, जहां सरकार के नाकामियों को गिनाते हुए भाजपा विधायक निरंजन डावखरे की अगुवाई में जिला अधिकारी को मांगों का ज्ञापन भी दिया गया। शिष्टमंडल में विधायक संजय केलकर, महिला आघाड़ी की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट माधवी नाइक, गट नेता संजय बागुले, स्थानीय नगर सेविका नम्रता कोली, सुनील हंडोरे, सागर भदे, विकास पाटिल, कैलाश महात्रे, मयूरस जोशी, जयंद्र कोली, नीलेश कोली आदि उपस्थित थे। थाने से एचएनआई लाइव की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, एमएससीबी और टोरेंट के माध्यम से जो लोगों को बिल आकारा गया है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज थाने में आंदोलन हुआ है। थाने में हर जगह ये आंदोलन आज हुआ है। जो एमएससीबी का और टोरेंट का रिवाइज रेट है, वो रिवाइज रेट गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द विड्रॉ करना ज़रूरी है, और उसी बराबर लोगों को इंस्टॉलमेंट बेसिस में ये जो पैसा भरना है, वो पैसा भरने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट, 6 से 9 महीने का इंस्टॉलमेंट पीरियड ये मिलना ज़रूरी है। आज लॉकडाउन में लोग घर से काम कर रहे हैं, इसके वजह से ये बिल बढ़ा है। ये जो स्टेटमेंट राउत साहब ने दिया है, नितिन जी राउत जो ये खाते के मंत्री हैं, इसके बारे में का हमारे पूर्णपणे आक्षेप है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जब वो देते हैं तो ये भूल जाते हैं कि लोगों को आज पगार आधा हो गया है, कुछ लोगों की नौकरियां गई हैं, और ऐसे हालत में उनको जहां पे कमाई नहीं है, उनकी कमाई कम हो गई है, वहां पे उनको एमएससीबी और टोरेंट के माध्यम से ये जो लाखों के हज़ारों के बिल दिए हैं, वो निश्चित ही उनके ऊपर अन्यायकारक है। उसी प्रकार जो स्कूल, कॉलेजेस, कमर्शियल शॉप्स, ये 3 महीने पूरी तरह से लॉकडाउन के पीरियड में बंद थे, उनको भी लाखों के बिल लगाए गए हैं। हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि सम्माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें ध्यान देना ज़रूरी है, और तुरंत ये जो रिवाइज रेट का बढ़ाया हुआ बिल है वो विड्रॉ करना चाहिए।